कि चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार। चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार, ले गया वो सब कुछ तोड़ तोड़ और कर गया बंटा धार। चाचा ने खिलाया बाग बाग घुस गया अजित पवार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार। रुको म्यूजिक जरूरी है, जरूरी है। दिल ये क्या कह रहे शरद पवार जी, कि दिल ये रोता जाए हाय रे, दिल ये रोता जाए क्यों, सींचा हमने पाला हमने फल कोई दूजा खाए हाय, दिल ये रोता जाए। करनी का फल तुमने भोगा, पवार जी से कह रहे हैं हम कि करनी का फल तुमने भोगा, तुमने भी धोखे खूब दिए, जैसा बोया वैसा काटो क्यों मनवा पछताए, दिल क्यों रोता जाए रोता जाए। इस उम्र में धोखा खाया है जब हो गए 80 पार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर, सुनिएगा भैया, जीवन में कोई भरोसा नहीं राजनीति का। कुर्सी आए जाए हाय रे, कुर्सी आए जाए, रिश्ते नाते सब मतलब के हर कोई दाव लगाए, कुर्सी आए जाए। उद्धव की इस फुलवारी को सिंधे ने खाली कर डाला, और बिन मेहनत के मिल गई सीटें, बीजेपी मुस्काए, बीजेपी मुस्काए हाय रे, गठबंधन घबराए। कैसे चिंता में पड़ गई ममता जी और राहुल नीतीश कुमार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया अजित पवार। लेकिन 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 इस पे तो आपको भी तो सीटें ज्यादा मिलेंगी ना लड़ने के लिए। असल बात हुआ क्या ना, सबसे बड़ी बात बम्बैया बात है, इन्होंने तो बम्बैया बात कह दी। अजीत पवार अपने ही बाग को ऐसे, ये संगत का असर होता है, भारतीय जनता पार्टी की संगत ऐसी है कि आदमी अपने ही बाग को लूटने पे लग गया। आप इस चीज़ को देख लो, ये संगत थी, अगर ये भाजपा की संगत में जैसे ही आए अपनी क्या नाम पार्टी तोड़ने में लग गए। और दूसरी बात, वो जो शरद पवार है ना साहब, 84 साल के हैं, और बिहार का वीर कुंवर सिंह भी 84 साल के थे, यहाँ बिहारी बच्चे भी बैठे होंगे, मैं भी 84 साल की उम्र में बांका से निकला था, अंग्रेजों को लताड़ता हुआ, मारता हुआ, काटता हुआ रायबरेली तक पहुंच गया, कुछ अपनों ने गद्दारी कर दी उसके साथ, वरना दिल्ली पहुंच जाता। तो अभी कुर्सी आए जाए, अभी आपके अंत नहीं है, शुरुआत है। आपकी पार्टी के साथ शरद पवार ने क्या किया था देखिए, इतिहास में तो हमारे भाई क्या शहजाद भाई भी हमारे साथी थे, तो इतिहास को अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित न होकर संतान केंद्रित हो जाती है,
पुत्र या पुत्री मुंह में चली जाती है तो फिर जो गुलिस्ता है उनका उनका यही अंजाम होना है। और मुझे लगता है कि ये उनका आंतरिक पुत्र उत्र ठीक है, भतीजा ठीक नहीं है, मतलब या भतीजा ठीक है पुत्र ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके बीच का, मैं आपको अंतर बताता हूँ। शिवसेना के प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे ने उद्धव जी और राज जी दोनों को साथ में बिठाकर कहा था कि इन दोनों में से कोई भी सरकार में नहीं आएगा, पर वोट हमारे नाम पर लेने के बाद कैसे मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी तो उन्होंने अपने पिता के ही सारे संस्कारों को नकारने का काम किया। तो पिता के संस्कारों को नकारेंगे तो पार्टी ने आपको नकारा, इसीलिए पार्टी को परिवार समझो, पर परिवार केवल को पार्टी समझने की गलती करोगे तो फिर आपके बाग में लूटने वाले नहीं, बाग को आग लगाने का काम आप ही कर रहे हो। भाजपा वालों के तो तर्क ऐसे ही होते हैं। मुझे एक भाजपा वाला बाहर मिला तो वो महंगाई की बात हो रही थी, मैं क्या कर दिया यार, तुमने टमाटर इतने महंगे कर दिए कि टमाटर का भाव सेब जैसा कर दिया। बोले यार तुम हमेशा उल्टी सोचते हो, सीधी सोचो ना, सेब को टमाटर के भाव कर दिया। हाँ मैंने कही सही कह रहा है, रुपया नहीं गिरा डॉलर बढ़ गया है। इनके तर्क ऐसे ही होते हैं। भाजपा राजनीति को समझती है दुकान। देखो मैं बहुत महीन महीन बातें करूंगा आज, हालांकि बुद्धि मेरी थोड़ी मोटी है लेकिन महीन बात करूंगा, पकड़ लेना मस्ती में, और तालियां बालियां टाइम पर बजाते रहना। भाजपा राजनीति को समझती है दुकान, विधायकों को बेचने और खरीदने का सामान। इसको तोड़ उसको फोड़, फोड़ के तोड़ तोड़ के जोड़, इस पिटकुट में है, हाँ इस पिटकुट में है। और विधायक पीए से पूछ रहा है कि आज वो किस गुट में है। बहुत बड़ा तंज है, क्या कमाल, ये दोबारा से पढ़ना प्लीज, कमाल। ये 40 विधायकों पे पड़ी जाती है, 40 कहां से लाऊं, कांग्रेस के तोड़ने पड़ेंगे। कांग्रेस के बिकाऊ नहीं है। के भाजपा ने देने का खूब दिखाया सपना जी, एक विधायक को भाजपा ने देने का खूब दिखाया सपना, लेकिन विधायक ने कर दिया मना। अब देखिए वर्तमान से जोड़ता हूं, मस्ती रहना। विधायक ने लेने से कर दिया मना, भाजपा ने चली चाल, कहा अलग से देंगे 5 किलो टमाटर लाल। टमाटर लाल क्या प्रस्ताव है, विधायक शिकार हो गया झूठ का, विधायक शिकार हो गया झूठ का, अब रोना रो रहा है अपनी लूट का, अपना अब कह रहे हैं, अब उसे कांग्रेस भाजपा वाले कह रहे हैं जो है ले लो, दिनेश कह रहे हैं जो है ले लो, कमा कर नहीं देंगे, मंत्री बना देंगे पर टमाटर नहीं देंगे। कविता अच्छी नहीं है, नहीं नहीं अच्छी है, इस बात को स्वीकारो। कविता अच्छी नहीं है, चलो फेंक के टमाटर मारो। बढ़िया बात है। वो बच्चा बोला कोने वाला, मैंने जब ये कही ना मैं टमाटर, बच्चा बोला कोने वाला टमाटर तो पहले ही कपड़े से ढकवा दिए, इन्हें किशोर जी ले जाएंगे ये कह के रखवा लिए। लेकिन अंत करता हूँ, अंतिम पंक्ति पकड़ लेना, और मैं शहजाद पूनावाला जी आपको ही समर्पित करता हूँ इसको, लेकिन भाजपा के राज में महंगाई का कमाल हो गया, भाजपा के राज में महंगाई का कमाल हो गया है, टमाटर ही नहीं पूरा देश लाल हो गया है।